मुझे लगता है राहुल जी को सुनने वालों की कमी भारत में हो गई है, लेकिन जब उनको विदेश में जाकर मौका मिला है बात रखने का, तो उनको बात करनी चाहिए थी कि वो भारत कैसे देखना चाहते हैं। मोदी जी ने अपना कल्पना न्यू इंडिया को लेकर रखी है, किस तरह से नए भारत में युवाओं की वो भागीदारी देखते हैं, किस तरह से उनकी सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और दूसरी ओर राहुल जी के पास जहां मौका था कि वो अपना विचार रख पाते कि अगर उनको जीवन में कभी मौका मिलेगा तो वो भारत को कहां देखना चाहेंगे, लेकिन वही नकारात्मक सोच जो कांग्रेस की शुरू से लेकर आज तक है वो विदेशी धरती पर भी देखने को मिली। जिस पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा ऐसे काम हुए जिसको लेकर कांग्रेस सदा शर्मसार रहती है, आज वो अगर ऐसी बात करती है तो मुझे लगता है वो उचित नहीं है। उनको बताना चाहिए था कि उनकी गलत नीतियों के कारण कैसे देश पिछड़ा है, उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण कैसे देश पिछड़ा है। ये फिर बहुत लंबा है, चलेगा नहीं इतना। राहुल जी के पास एक ऐसा अवसर था कि विदेशी धरती पर जाकर 85 करोड़ नौजवानों की बात वो रख पाते, उनका विजन भारत को लेकर क्या है वो कह पाते, किस तरह से जो गलतियां कांग्रेस इतने वर्षों में करती आई, अगर कभी उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो नहीं कह पाए, लेकिन राग अलापते रहे अपने आप को बचाने के लिए परिवारवाद का। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं तो 13 साल की उम्र में अगर निर्णय ले सकता हूं कि मुझे अपना नाम अनुराग ठाकुर रखना है, धूमल सरनेम नहीं रखा, क्या राहुल गांधी गांधी छोड़कर केवल राहुल नाम से राजनीति करने के लिए तैयार है?